देखिए जो भी है जो मीटिंग कर रहे हैं मीटिंग कर रहे पूरे इलीगल मीटिंग है, बोला ऑलरेडी उनके ऊपर चार्जेस है, तो जो पांचों जनों के ऊपर जो चार्जेस है उनके ऊपर कहते हैं मीटिंग करके कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, उनकी की इलीगल मीटिंग है और उनका टाइम आ चुका है। अगर थोड़ा भी मॉरल है, थोड़ा भी वो है, तो कल में उन्होंने रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एसीबी में केस चल रहे हैं, रोज कोर्ट अटेंड उन लोग करते हैं, मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, मिसकंडक्ट उनका है, मेरा मिसकंडक्ट कुछ नहीं है, हर चीज गलत कर रहे हैं, गलत करने से कोई होता नहीं, गलती का जो गलत करता है वो गलत ही रिजल्ट आता है एंड में। सिचुएशन के बारे में बीसीसीआई जो डिसाइड करेगी वो बीसीसीआई डिसाइड करेगी, बीसीसीआई को सब पता है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो कहना था अभी कह दिया ना, अभी मैं देखिए अभी जो ओम्बुड्समैन के ऊपर भी इनके ऊपर नोटिस सर है, अभी ओम्बुड्समैन इनको नोटिस भी देगी, तो जब भी इनको नोटिस देगी इनको हियरिंग होगी तो वो तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ओम्बुड्समैन तो एजीएम में अपॉइंटेड है, और मेरी जो मीटिंग थी एजीएम में जो मैंने किया वो पूरी इलीगल मीटिंग है, क्योंकि उसी वजह से मुझे कोर्ट में एसडीएम में मेरे को बुलाया गया, नहीं तो उन लोग को बुलाया जाता, अगर उनकी मीटिंग सही रहती उनको बुलाया जाता था, ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है। अगर यहाँ पे भी अगर कोई अगर नहीं समझ रहा है तो फिर मैं कुछ करना चाहता। आपको सर ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों आप उनसे पूछना चाहिए क्यों कर रहा है आप बोले क्यों कर साहब? ये ऐसी बात है, अजहरुद्दीन साहब जहाँ कहीं जाते उन्होंने जो है साफ बात कर देते हर चीज को, उनका मंशा आने का यह है कि एसोसिएशन को साफ करने का, जो लोग एसोसिएशन के ऊपर पैरासाइट बन के बैठे हुए हैं उनके ऊपर ऐसा दिख रहा कि एक जल्लाद आ गया, ये आदमी आना एक हमारी तरफ से एक ऊपर वाले की मेहरबानी है, हैदराबाद क्रिकेट को हैदराबाद की आवाम को ये आदमी से मोहम्मद अजहरुद्दीन से पूरा जो है एक मसीहा की तरफ हैदराबाद क्रिकेट इम्प्रूव होगी, हर चीज अपनी जगह पे सेटराइट रहेगा और हर चीज हर जना जो जो क्रिकेट खेलता लाइक माइंडेड आदमी है उन्हें अप्रिशिएट करेगा। ये नंबर भी बोलते थे पूरा क्या बोलते हैं।